Good morning, students. Welcome to Fly High Smart Tuition. This is the second part of the chapter, People as a Resource. First part में basically हमने देखा था कि people को हम resource कैसे कह सकते हैं. किस तरीके से population of a country can become an asset or a liability. हमने समझा कि कैसे education, health can lead to the formation of human capital. फिर हमने डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ा. फिर हमने जापान का एग्जांपल लिया जहाँ पे इस कंट्री ने बहुत पैसा खर्च किया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और वो कंट्री आज एक डेवलप नेशन में से है. फिर हमने डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा जहाँ पे लोग या पीपल को हम यूटिलाइज़ करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. इसके बाद हमने ये भी समझा कि कैसे ये मेन एंड वुमेन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे है. फिर फाइनली हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. अब उन्हीं फैक्टर्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे या पढ़ेंगे. पहला फैक्टर था एजुकेशन. तो कहीं पर भी एजुकेशन अगर होगा या लोग वहाँ के पॉपुलेशन एजुकेटेड होंगे तो बच्चों में एक नई दुनिया खुल जाएगी, उनका सोच बदल जाएगा, उनके एस्पिरेशंस बदल जाएंगे और उनका लाइफ का नज़रिया ही बदल जाएगा. उनके अंदर एक वैल्यू सिस्टम डेवलप कर जाएगा कि किस तरीके से हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए. एजुकेशन का बेसिकली मतलब यही है कि हम कैसे एक अच्छा और सीधा साधा ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. जॉब करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये तो बस एक पार्ट है एजुकेशन का. अल्टीमेट एम क्या है एजुकेशन का? एक सिविलाइज्ड, एक हैप्पी लाइफ जीना. तो एजुकेशन से किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम ग्रो करता है, प्लस वहाँ का कल्चरल रिचनेस डेवलप करता है. अगर एजुकेटेड लोग रहेंगे तो आप वहाँ के कल्चर को समझ सकते हो. लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, साफ सुथरा जगह रखेंगे, तो ये एक उनका कल्चर पता चलेगा और ये कल्चर तभी डेवलप होगा जब वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे. सरकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना भी आसान होगा. पढ़े लिखे लोगों से ये अपेक्षा की जाती है या ये माना जाता है कि वो समझदार है और वो गलत काम नहीं करेंगे. रूल्स को वो फॉलो करेंगे और ब्रेक भी नहीं करेंगे. सो दिस वे एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस विल ऑल्सो इम्प्रूव. मगर हमारे कंट्री में देखा गया है कि मेल्स एंड फीमेल्स के एजुकेशन या लिटरेसी लेवल में काफ़ी डिफरेंसेस है. यहाँ के पॉपुलेशन में मेल्स का जो एजुकेशन है डेट इज़ 50% हायर दैन दी फीमेल्स. और यही शहर और गांव के इलाकों में भी बात किया जाए तो वहाँ पे भी 50% हायर एजुकेशन देखा गया है अर्बन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. लिटरेसी रेट हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी बहुत वेरी करता है. कुछ कुछ स्टेट्स या कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला में एजुकेशन 90% से भी ऊपर है और कुछ कुछ स्टेट्स में तो ये 30% के भी नीचे है. आप देख सकते हो लिटरेसी रेट, अगर आप इस मैप में देखो इंडिया के, तो आप देखोगे कि केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, गोवा में खूब अच्छा एजुकेशन है, मिज़ोरम में अच्छा एजुकेशन है. आप उसके बाद देखोगे रिलेटिवली महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, नागालैंड में, इन जगहों पर एजुकेशन बेटर है. और अगर ख़राब एजुकेशन की बात करें तो हम देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में एजुकेशन का हालत बिगड़ा हुआ है. अब एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है? गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है फॉर प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस फॉर फ्री, एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स. तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा. इसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो स्कूल जाए, सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाई करें. इसलिए उन्होंने एक और स्कीम चलाया जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील स्कीम. बच्चे इतने गरीब हैं हमारे कंट्री के कि वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ से जाएंगे. वो अपने माता पिता के साथ काम में लगे रहते हैं ताकि वो अपना दिन भर का दाल चावल रोटी का इंतज़ाम कर सके. तो मिड डे मील एक ऐसा स्कीम है जो कि बच्चों को, गांव के बच्चों को इनकरेज करता है कि वो स्कूल जाए क्योंकि वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्प्रूव करता है.
अब हम लिटरेसी रेट इन इंडिया को कंपेयर करें स्टैटिस्टिकल डाटाज को देखें 1951 से लेके 2001 तक, तो लिटरेसी रेट काफ़ी बड़ा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लिटरेसी रेट में, और मेल एंड फीमेल के बीच में जो गैप था वो भी काफ़ी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मगर अभी भी इस गैप को भरना काफ़ी बाकी है। अब एलिमेंट्री लेवल पे तो हमारा एजुकेशन काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है, नाउ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि कैसे हम हायर एजुकेशन को प्रमोट करें, कैसे इनरोलमेंट बढ़ाया जाए हायर एजुकेशन में, डैट इज़ फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 23 ईयर्स एज ऑफ एज ग्रुप, क्योंकि यही काम करने वाला पॉपुलेशन है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद अब इनके स्किल्स पे काम किया जा रहा है ताकि वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर सके, वो अपने घर को चला सके। इसके लिए गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे फोकस कर रही है, वो फोकस कर रही है कि स्कूल्स कॉलेजेस गांव-गांव तक खोला जाए, वहाँ के क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, स्टेट के हिसाब से वहाँ के करिकुलम को मॉडिफाई किया जा सके ताकि बच्चे वहाँ पे आसानी से एजुकेशन ले सके और वहीं पे एम्प्लॉय भी हो जाए। वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, बेसिकली वोकेशनल सब्जेक्ट्स वो हो गया जो कि ट्रेनिंग भी साथ में प्रोवाइड करता है, शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज होता है जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट मिलता है, जैसे कि आप फीमेल्स में देख सकते हो उनको स्टिचिंग का कोर्स कराया गया, मेल्स को कंप्यूटर या मोबाइल रिपेयर का वर्कशॉप करा के उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो वोकेशनलाइजेशन का मतलब हो गया ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन देना। एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन आईटी सेक्टर, नेटवर्किंग को यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गवर्नमेंट इस हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रही है। तो ये एजुकेशन का बात था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया हेल्थ। अगर कोई भी बच्चा हेल्दी होगा, अगर पीपल ऑफ कंट्री विल बी हैप्पी, तो वो किसी भी बीमारी से आसानी से फाइट कर पाएंगे और नेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कोई भी आदमी अगर बीमार है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि पहले तो वो काम पे नहीं जाएगा, दूसरा उसको इलाज कराने के लिए उसके ऊपर मेडिकल खर्चा करना पड़ेगा, तीसरा उसकी देखभाल करने के लिए जो दो तीन लोग काम पे जा रहे थे उन्हें भी उसकी देखभाल के लिए लगना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो या तीन चीज़ का लॉस कराता है, एक पर्सनल लॉस जो बीमार है उसका लॉस हो रहा है, दूसरा उसके ऊपर दवाई का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो रहा है, तीसरा उसके साथ भी दो तीन लोग और हैं जो उसका देख रेख कर रहे हैं और वो दूसरों तक भी बीमारी फैला सकता है। इसलिए हेल्दी लाइफ या हेल्दी सोसाइटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग। अगर आदमी हेल्दी रहेगा, हेल्दी का मतलब हो गया सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली सोशली भी वो हेल्दी होना चाहिए ताकि वो समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सके। तो कुछ नेशनल पॉलिसीज़ बनाए गए हैं जो कि हेल्थ कंडीशंस या हेल्थ फैसिलिटीज़ या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो हर इंसान को मिल सके, आसानी से मिल सके, सस्ता मिल सके, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है खासकर अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ताकि हर को एक सस्ता और अच्छा इलाज मिल सके और हमारा समाज हेल्दी हो सके। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मिड डे मील जैसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि गांव के बच्चों को अंडा दूध रेगुलर मिले और वो न्यूट्रिशन उनको, जो इनके बॉडी को न्यूट्रिशन मिनिमम रिक्वायर्ड है वो मिल सके और वो हेल्दी रह सके। हमारे कंट्री में कुछ सालों में, 10-20-30 सालों में काफ़ी काम किया गया है इन, आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, यहाँ तक कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी लेवल पे, हर लेवल पे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे बहुत काम किया है और प्राइमरी सेक्टर ने भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, छोटे मोटे अस्पताल खुले हैं गाँव से लेके बड़े बड़े शहर तक में, ताकि लोगों को आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है अभी भी हमारे कंट्री में जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रहा है। इतना कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी अभी भी बहुत काम करना बाकी है, गांव-गांव तक ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचाना अभी भी बाकी है। वहाँ छोटे मोटे अस्पताल तो खुल गए हैं मगर वहाँ पे बड़े
जो डिजीजेज होती हैं उसके ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई है. सो लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन दिस सेक्टर. अगर आप कुछ स्टेट्स की बात करो जैसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो आप देखोगे कि 81 आउट ऑफ 181 मेडिकल कॉलेजेस इन्हीं स्टेट्स में खुले हुए हैं. जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस होगा तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी आराम से मिलेगा. और अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की बात करें तो वहाँ का पुअर हेल्थ कंडीशन है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस ही बहुत कम है, मुश्किल से 2-4 पूरे स्टेट में है. सो वी नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट स्टेट्स ताकि पूरे कंट्री का बराबर तरीके से डेवलपमेंट हो सके. अब तीसरा मेजर पॉइंट आ गया स्किल डेवलपमेंट की, जो हम बात करते थे, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही मेजर चैलेंज हो गया है आज किसी भी नेशन के लिए. तो अनएम्प्लॉयमेंट का पहले मतलब क्या हुआ? ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं मगर फिर भी उनको मन लायक पैसे के हिसाब से काम नहीं मिल रहा. अगर हम देखें तो आखिर वर्किंग फोर्स कौन सा एज ग्रुप हो गया? इट इज़ फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स जो कि काम करने लायक है. इससे छोटे वाले लोग, बच्चे हैं, वो काम नहीं कर सकते. 59 ईयर्स के अबव जो लोग हो गए वो ओल्ड हो गए हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता. सो मेन वर्किंग क्लासेस फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. और अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन अगर हम अपने कंट्री में देखें तो ये रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, मगर दोनों का नेचर काफ़ी अलग है. शहर में काम करने जिनको काम नहीं मिल रहा है वो पॉपुलेशन अलग तरह का है, और गांव में जिनको काम नहीं मिल रहा है उनका क्लासिफिकेशन या जो उनका क्राइटेरिया वो काफ़ी अलग है. अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, गांवों में बात करें, तो वहाँ आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग सीजनल या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, जिसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल पढ़ेंगे कि सीजनल या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि साल के कुछ महीनों में उस इंसान को काम नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर सीजन में उसे काम मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर हम छाता का बिजनेस कर रहे हैं तो छाता कब बिकेगा? बारिश के मौसम में बिकेगा. तो जब तक बारिश है तब तक मेरे पास काम है, जब बारिश ख़त्म मेरे पास काम ख़त्म. सो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा हो गया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोगों को लगता है या हमें लगता है कि लोग काम कर रहे हैं मगर एक्चुअली वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं. ये छुपा हुआ बीमारी जैसा है, हमें देखने में लग रहा है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं. अब इस छोटे से खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सारे फैमिली मेम्बर्स एम्प्लॉयड हैं उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, मगर आप देखोगे या समझोगे तो 10 में से 4 से 5 लोग बेकार में काम कर रहे हैं. अगर उन 4 से 5 लोगों को उस फील्ड से हटा दिया जाए तो बाकी जो 5-6 लोग हैं वो भी उतना ही काम आराम से कर पाएंगे और उतना ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी. तो देखने में तो हमें लग रहा है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, फैमिली के सभी लोग एंगेज्ड हैं, मगर दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर कैपेसिटी. ये सेम काम 5 से 6 लोग भी कर सकते हैं और उतना ही प्रोडक्शन होगा. सो ये 4-5 लोग एक्स्ट्रा हैं इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इन 4-5 लोगों को हम दूसरे जगह काम पे लगा सकते थे और वो नेशनल इनकम में और कंट्रीब्यूट कर सकते थे. तो आप देख सकते हो किसी भी फील्ड में आप देख सकते हो कि वहाँ देखने में लग रहा है कि अरे बहुत लोग काम कर रहे हैं मगर सभी की ज़रूरत नहीं है. इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब हम शहर और गांव के अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं तो शहर में बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो एजुकेटेड पीपल हैं, उनके पास मेट्रिकुलेशन का डिग्री है, ग्रेजुएशन का डिग्री है, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, मगर उन्हें अभी भी सुटेबल जॉब नहीं मिल रहा है. उन्हें अगर काम भी मिला हुआ है तो उनके क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है. और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम शहर में काफ़ी देख सकते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से हमारा जो भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, या उस ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हमने जितना पैसा खर्च किया फॉर देयर एजुकेशन एंड फॉर देयर हेल्थ, वो सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है. ये जो हमारा एसेट होना चाहिए था वो हमारे लिए एक क्या बन जा रहा है, एक बोझ बन जा रहा है, एक लाइबिलिटी बन जा रहा है. सो अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से हमारे कंट्री पे एक एडिशनल
बोझ बढ़ता है, एक ओवरलोड क्रिएट होता है। स्टैटिस्टिकली अगर इंडिया का कंपैरिजन देखा जाए, उसके डाटास को देखोगे तो देखने में लगेगा कि यहाँ काफ़ी कम अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आ रही है, मगर ऐसा सही नहीं है। क्यों? लोगों को काम मिल रहा है मगर MBA किए हुए भी लोगों को ऐसा छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है जो कि उनके पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। बहुत पढ़ लिख के भी, बहुत डिग्री हासिल करके भी उन्हें 10 से 15,000 की नौकरी मिल रही है, जबकि उन्हें मिनिमम 35,000 to 40,000 का नौकरी मिलना चाहिए था। तो स्टैटिस्टिकली हमें देखने में लग रहा है कि हाँ, सभी को काम मिला हुआ है, पीपल आर एम्प्लॉयड या एंगेज समवेयर, बट पीपल आर नॉट गेटिंग पेड अप टू देयर फुल पोटेंशियल एंड उनको पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, विच इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, वो सफिशेंट नहीं है। तो इस पर भी सरकार को बहुत काम करना है कि इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम कैसे कैटर कर सकते हैं या इस तरह के सिचुएशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम ह्यूमन रिसोर्स को एक कैपिटल में बना पाएंगे और नेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरी तरीके से लगा पाएंगे। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं, खासकर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया में या अफ्रीका में, ब्राज़ील में, जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, काम करते रहते हैं। मगर अब देखा गया है कि धीरे धीरे इसमें कमी आते जा रही है, बिकॉज अब जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस था उसमें कमी आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, इतने लोगों का खेत में काम नहीं है और ये धीरे धीरे खेती बाड़ी को छोड़ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं एंड दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में वो शिफ्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, बेसिकली वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल थे ये गाँव से उठ के इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और यहाँ पर इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लोग यहाँ पर उनको नौकरी मिल रही है। अगर टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये एक अपकमिंग आप बोल सकते हो सेक्टर है जिसमें लोगों को काफ़ी अभी नौकरी मिल भी रहा है। आप देख सकते हो जैसे कि ओला आया हुआ है तो ये एक सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, स्विगी हो गया या इस तरह के जो सर्विस सेक्टर्स का है, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। BPO इंडस्ट्रीज़ हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारी सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं और जैसे जैसे नेशन डेवलप करते जाएगा तो आप देखोगे कि देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस इंडस्ट्री में एंगेज हो जाएंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड वंस अगेन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आवर वीडियोस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अपना कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम अपने वीडियोस को और बेटर बना सकें। थैंक यू।